दोस्तों एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से ये बात पूरे बॉलीवुड को बता दी है कि भैया उनके दीवाने उनको लेकर ये बात क्यों कहते रहते हैं कि भाई खिलाड़ी कुमार का रिकॉर्ड पूरे बॉलीवुड पर भारी। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी है भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया सूर्यवंशी से। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि इस साल जब खिलाड़ी कुमार की फिल्म बेल बॉटम सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और भाई इस फिल्म को जब अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया इसको देखने के बाद तो भैया खिलाड़ी कुमार के वो वाले दीवाने हैं ना जो कि भैया उनको लेकर हमेशा अपने मुखार बिंदु से जहर उगलते रहते हैं, वो उनको लेकर जहर उगलने लगे ये कहते हुए कि देखो खिलाड़ी कुमार की ये फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई है। ये बात जानते हुए भी कि भैया उस वक्त पूरे इंडिया में सिनेमाघर 50% ऑक्युपेंसी के माध्यम से भी नहीं खुले थे और भाई महाराष्ट्र में तो उस वक्त भी लॉकडाउन लगा हुआ था सिनेमाघरों के ऊपर में, यानी कि महाराष्ट्र का जो टेरिटरी था वो इस फिल्म के लिए पूरी तरीके से बंद था। उसके बावजूद भी खिलाड़ी कुमार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी फिल्म को सिनेमाघर में केवल यही सोचकर रिलीज किया कि भैया वो अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उससे भैया हो सकता है कि बॉलीवुड के जो बुरे दिन है वो ठीक हो जाए। और भाई उनकी जो ये मेहनत थी वो रंग लाई और उसके बाद से भैया सिनेमाघरों में बैक टू बैक कई सारी फिल्मों ने एंट्री मारना शुरू किया और सभी फिल्मों को अच्छा रिस्पांस मिला। भले ही बेल बॉटम को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया लेकिन जब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आई सिनेमाघर में रिलीज होने के बाद, तो भैया इस फिल्म को देखने के बाद हर कोई यही बोलता नजर आया कि भैया इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और ये फिल्म अगर नॉर्मल डेज में सिनेमाघर में रिलीज होती तो भैया ये फिल्म भी इस साल सेंचुरी लगाती बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन भाई ये सब बातें किसी को हजम नहीं होगी, तभी तो भैया कई लोग इस फिल्म को लेकर अभी भी कमेंट के माध्यम से ये बात कहते नजर आते हैं कि भैया आप सूर्यवंशी की इतनी तारीफ कर रहे हो इन दिनों, तो भैया कभी कभी बेल बॉटम के बारे में भी बात कर लो। तो भाई बेल बॉटम के बारे में तो हम लोगों ने लगातार बात की है जब ये फिल्म सिनेमाघर में आई थी और इस फिल्म को हम लोगों ने हमेशा सुपर डुपर हिट बताया था क्योंकि जिस सिचुएशन में ये फिल्म सिनेमाघर में आई थी और उस कंडीशन में भी इस फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस करके दिखाया था ना बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई ये पावर केवल और केवल खिलाड़ी कुमार के पास था, ये और किसी स्टार के पास नहीं है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो भैया उस वक्त बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे वो अपने घरों में चादर तान कर सोए हुए थे ये सोचते हुए कि भैया खिलाड़ी कुमार लड़ रहा है ना हम लोगों के लिए, एक बार वो हमारे लिए मैदान बना देगा उसके बाद हम आ जाएंगे मैदान में। तो भैया कहते हैं ना कि जो ओपनर अच्छा बैटिंग करके जाता है ना उसी की तारीफ हमेशा होती मेरे भाई, और अक्षय कुमार की तारीफ हमेशा इस बात के लिए होती रहेगी पूरे बॉलीवुड में कि उन्होंने उस वक्त अपनी फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज किया जब बड़े बड़े लोग अपनी फिल्मों को सिनेमाघर में बस इसलिए रिलीज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि भैया इस वक्त अगर फिल्में सिनेमाघर में आएंगी तो पिट जाएंगी। और भाई उस वक्त तो महाराष्ट्र का टेरिटरी भी ओपन नहीं था मेरे भाई। और उसके बाद जब खिलाड़ी कुमार ने अपनी फिल्म यानी कि दूसरी फिल्म सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर लाया तो उस वक्त भी इस फिल्म को लेकर कई सारी बातें कही जा रही थी लेकिन वो सारी की सारी बातें जो है वो धरी की धरी रह गई। और भाई इस फिल्म के माध्यम से खिलाड़ी कुमार ने बॉलीवुड के लिए इस साल का पहला सेंचुरी लगा दिया है मेरे भाई बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार के इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है वर्ल्ड वाइड। और भाई ये आंकड़ा कितने दिनों में पार हुआ है, तो मेरे भाई 3 दिनों में ही इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार करके दिखा दिया इस कोविड वाले काल में जब बॉलीवुड की फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था बॉक्स ऑफिस पर। अगर हम साउथ की फिल्मों की बात करें तो भैया साउथ की फिल्मों ने तो अपना जलवा इस साल दिखाया लेकिन खिलाड़ी कुमार के ही माध्यम से ये कारनामा करने का मौका मिला मेरे भाई बॉलीवुड को। तो भाई सूर्यवंशी ने किस तरीके से 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि सूर्यवंशी की एंट्री 5 नवंबर को सिनेमाघर में हुई थी और इस फिल्म ने पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 26 करोड़ 29 लाख रुपए का। उसके बाद सैटरडे को इस फिल्म ने 23 करोड़ 85 लाख रुपए का बिजनेस किया और उसके बाद संडे को इस फिल्म ने 29 करोड़ 94 लाख रुपए का बिजनेस किया। यानी कि भैया इस बिजनेस के माध्यम से सूर्यवंशी ने केवल इंडिया में ही 77 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था।
और वहीं पर अगर हम बात करें भैया कि इस फिल्म को ओवरसीज में 3 दिनों में कैसा कलेक्शन मिला, तो भैया वो आंकड़ा है कुछ इस प्रकार, यानी कि इस फिल्म ने पहले दिन जो ओवरसीज में कलेक्शन किया था वो था 1.08 मिलियन डॉलर का। उसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने जो ओवरसीज में कलेक्शन किया वो था 1.15 मिलियन डॉलर का। उसके बाद भैया तीसरे दिन इस फिल्म ने जो ओवरसीज में कलेक्शन किया था वो था 1.06 मिलियन डॉलर का। और भाई इन तीनों दिनों के कलेक्शन को जोड़ने के बाद ये आंकड़ा हो जा रहा था 3.29 मिलियन डॉलर का। यानी कि भैया इंडियन करेंसी में बात करें तो इस फिल्म ने 3 दिनों में 24,07,00,000 रुपए का बिजनेस ओवरसीज से कर लिया था। और भाई इन दोनों बिजनेस को मिलाने के बाद, यानी कि इंडिया और ओवरसीज के बिजनेस को मिलाने के बाद ये आंकड़ा हो जाता है 101,15,00,000 रुपए का। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार ने अपनी इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों के जुबान पर लगा दिए जिप वाले ताले, जो कि भैया बेलबॉटम को एमी कुछ भी कहे जा रहे थे। तो भाई बेलबॉटम से जो पारी की शुरुआत की थी खिलाड़ी कुमार ने, उसको बढ़ाते हुए वो भैया सेंचुरी तक पहुंच चुके हैं। और भैया अब ये सेंचुरी जो है वो भैया 300 करोड़ तक जा सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं सूर्यवंशी को लेकर। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि खिलाड़ी कुमार के इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इन दिनों बॉलीवुड में ऐसा कोई कलाकार है जो भैया ऐसा कारनामा करके दिखाएं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्क जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।